तुम्हें लाइफ टाइम कर देता, लाइफ टाइम कर देता ना, लाइफ टाइम। सब बच्चों का लगा। ये किसकी दस्तक है चमन में, ये किसकी यामत हो गई है, ये किसकी दस्तक है चमन में, ये किसकी यामत हो गई है, ये पत्ता पत्ता चहक उठा है और फूटा फूटा गाना आ चुके हैं। आज हमारे स्कूल में सालाना जलसे का इनेकाद किया गया है। इसी मौके पर बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम अभी बैठ जाएं ताकि हम प्रोग्राम का आगाज कर सकें। मैं सबसे गुजारिश करूंगी कि बराए मेहरबानी सब साहिबान तशरीफ रखें। मंजू भाई जरा सा वो लोगों को इसने पूरी दिल्ली में हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। जहां चश्मा बिल्डिंग को पहले पूछते थे लोग कहां है, अब पहचानने लग गए हैं। इसी तरह से हमारे बच्चे लगातार तरक्की कर रहे हैं और उम्मीद करती हूँ आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। जब आप मुस्कुराते हैं, जब आप मुस्कुराते हैं, इस नए स्कूल में पढ़ने का मौका मिला, इसके लिए जोरदार तालियां कि हमें इतनी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हुई है। हमारे पहले और आज के स्कूल में बहुत ज्यादा फर्क है और हम बहुत खुशनसीब बच्चे हैं कि हमें ये मौका मिला इस स्कूल में पढ़ने का। और हम लोग 12th क्लास में आ गए और हमारा अब जाने का वक्त आ गया है, लेकिन हम बहुत दुख है कि अब स्कूल बना है हमारा कि हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो सर? आगे ऊंचाइयों को छूने। सर जो भी हमारे विद्यालय में अभी आता है, अभी बहुत लोग आ चुके हैं, विजिट कर चुके हैं, सब यही कहते हैं कि पब्लिक स्कूल को भी माफ टक्कर दे रहे हैं। इतनी साफ सफाई स्कूल को अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, उसके लिए और ये जो है आपका ही कमाल है कि इतनी कंजेस्टेड एरिया में ये स्कूल बने। अब मैं आपसे चाहूंगी कि हमारे लिए मैं जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं सबसे ये अपील करता हूँ कि अब जब 10th के और 12th के एग्जाम जब हमारे आ रहे हैं तो बल्ली बरान का नंबर मतलब जो है ना नाम सबसे ऊपर होना चाहिए, इतनी परसेंटेज आनी चाहिए इंशाल्लाह। तो ये पूरे स्कूल की तरफ से हमारे शिक्षा मंत्री और हमारे विधायक साहब इमरान हुसैन साहब के लिए एक ही मतलब ये गिफ्ट होना चाहिए, सब नंबर वन होना चाहिए बल्ली बरान इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं आज के एनुअल डे फंक्शन के लिए तमाम बच्चों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट करा है आज और जिन्होंने नहीं करा उनसे मैं कहूँगा कि अगली बार ज़रूर करना, सब लोग पार्टिसिपेट ज़रूर करना। सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और बच्चों ने जो डांस करा था अभी यहाँ पे परफॉर्म करा था बहुत शानदार था, उन बच्चों के लिए तालियां बजाओ जोरदार। और चश्मा बिल्डिंग के बाहर मौजूद है, जैसे मालूम है आपको यहाँ पे एनुअल डे और यहाँ पे दिल्ली सरकार के वजीर इमरान हुसैन तशरीफ लाए। इमरान भाई आज जो आपने देखा यहाँ पर, यहाँ बच्चे कितने कंजेस्टेड एरिया में बैठे थे, आपने ऑडियो के लिए देखा है, तो ये कब तक हो जाएगा? लास्ट ईयर से यहाँ पे जीनत महल में होता था, साइंस शुरू होने वाला है। देखिए ऐसा है कि साइंस और ऑडिटोरियम की बात करिए पीछे जगह पर लोगों का कब्जा था खाली हो गया, अब बहुत जल्दी वो बंद चालू हो जाएगी, उसका टेंडर हो रहा है बहुत जल्दी बंद। अच्छा ये सारी ऊँचाइयाँ चश्मा बिल्डिंग छू रहा है, इस बारे में आपको क्या कहना, खासकर मैडम जो प्लीज करना टीचर है? नहीं मैं तो मनीष सिसोदिया जी को और अरविंद केजरीवाल जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। और क्योंकि मुझे चश्मा बिल्डिंग स्कूल पहली बार विधानसभा में तीन बिल्डिंग है, हमने तीन स्कूल नए बनाए और जितने स्कूल बाकी इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी नए बनने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ साइंस साइड भी हम लोग ला रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर काम कर रहे हैं और हम अपनी एजुकेशन को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर
जो बनाने का काम अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट ने किया उन्हें बधाई देता हूँ उसके लिए, और दुआ करता हूँ कि इसी तरह ये कारोबार बढ़ता रहे। और कोई भी कौम, कोई भी मुल्क जब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसका बच्चा बच्चा ना हो। बहुत एनुअल डे फंक्शन जो है मतलब बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिए, और जिस तरह दिल्ली सरकार ने एजुकेशन को टीचर्स दी तो देखा आपने दिल्ली सरकार के उन्होंने इस बात के लिए कहा कि जो पीछे जगह खाली करे उसमें बहुत जल्दी होती होगा, और उन्होंने इस बात बनाई भी जाहिर किया कि यहाँ की जो पढ़ाई है और ऐसे भी सीखे लोग यहाँ की जो पढ़ाई है वो बच्चे जो बहुत करें आगे, और आगे जो है उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में जो बच्चे स्कूल हैं किसी स्कूलों से कम तेजी से अहम रहा। सियासी तब्दील यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।